चीन पाकिस्तान को धूल चटाने मैदान में उतरेगी रोबोटिक आर्मी। भारत ने बना डाला ऐसा तगड़ा हथियार, कहीं नहीं मिलेगा इसका तोड़। LOC से लेकर LAC तक, ये क्या नया उतारने जा रहा है भारत? दोस्तों, भारत डिफेंस सेक्टर में तकनीकी का ऐसा भौकाल मचा चुका है कि अमेरिका तक के मुंह खुले के खुले रह गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने तेजी के साथ अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी बदली है और खुद की तकनीक को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने और ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया वेपन्स का ही यूज करने पर ज्यादा जोर दिया है, जिसका नतीजा ये निकला कि न केवल भारत अपने हथियारों का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है बल्कि उनका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वहीं भारत ऐसे ऐसे हथियार भी उतार रहा है जो दुश्मनों ने कभी देखा भी नहीं होगा। हाल ही में हमने आपको बताया कि भारत के वैज्ञानिकों ने सेबेक्स 2 नाम का एक विस्फोटक तैयार किया है जो दुनिया का सबसे ज्यादा विनाशक गैर परमाणु विस्फोटक है। इसका यूज करने के बाद दुश्मन देश की सेना में तबाही मच जाएगी। लेकिन सेबेक्स 2 तो एकमात्र उदाहरण है। भारत के पास ऐसे सैकड़ों हथियार हैं जिन पर काम हो रहा है। दोस्तों, इसी लिस्ट में भारत ने एक और काम कर दिया है और इस बार भारत ने जो काम किया है उसने चीन से लेकर अमेरिका तक के कान ठंडे कर दिए हैं। चीन पाकिस्तान ने अपना सिर पीट लिया है। इसका कारण ये है कि चीन पाकिस्तान ने भारत के साथ अगर कोई जंग छेड़ी तो उसका नाश करने के लिए भारतीय सेना नहीं उतरेगी बल्कि फुली AI से लैस रोबोटिक फोर्स उतरेगी, जिस पर दुश्मन की किसी भी गोली वगैरह का भी असर नहीं होगा। दोस्तों, इस कमाल के हथियार को करीब से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। भारत ने चीनी सेना को ठोकने उतारी रोबोटिक फोर्स, भारत के एक जवान के कमांड के साथ ही कर डालेगी हमला। दोस्तों, भारत ने एक ऐसे रोबोटिक हथियार को बनाकर पूरी दुनिया को दंग कर दिया है जो पूरी आर्मी को रोबोटिक बना देगा। इस समय दुनिया के कुछ गिने चुने और डेवलप्ड देश जैसे कि चीन, अमेरिका और जापान अपनी मिलिट्री को रोबोटिक बनाने में लगे हुए हैं। वहीं अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है, क्योंकि भारत की एक ठाणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को बना लिया है। और इस रोबोटिक डॉग की खास बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे मिलिट्री में सर्विलेंस और कॉम्बैट मिशन दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसकी टेस्टिंग को सफलतापूर्वक कर लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए जा रहे हैं जिससे इसे चीन, जापान और अमेरिका के रोबोटिक डॉग से भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। अभी हाल ही में कंबोडिया की आर्मी एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए चीन भी आई थी। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान चाइना ने अपने ट्रूप्स के साथ साथ एक ऐसे रोबोटिक वेपन को डिप्लॉय किया था जिसे देखने के बाद अमेरिका के भी पसीने छूट गए थे। चीन ने यह ड्रोन बना तो लिया है, लेकिन इससे चीन को खुद खतरा हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चीन ने जिस नियत से यह चीज बनाई है, इसे देखकर शायद चीन भारत को दिखाना चाहता है कि हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, इनके सामने तुम्हारे साइंटिस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत ने चीन को तगड़े तरीके से सबक सिखाया है। दोस्तों, चीन वाले रोबोटिक डॉग की बात की जाए तो इनके चाइना के अंदर मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। अब ये रोबोटिक डॉग चलते फिरते सोल्जर से कम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर असॉल्ट राइफल से लेकर मशीन गन और यहाँ तक कि स्मॉल स्केल का एक छोटा सा रॉकेट लॉन्चर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और इनमें कैमरा भी लगे होते हैं जिनकी हेल्प से ये आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करके खुद ही आगे चलते हैं। इस रोबोटिक डॉग को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है, यानी पीछे कंट्रोल रूम में बैठा एक सोल्जर इसको ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन अब भारत ने नहले पर दहला मारते हुए चीन को खुद दंग कर दिया है, क्योंकि चीन से ज्यादा पावरफुल रोबोटिक डॉग भारत ने बनाकर इतिहास रच दिया है। भारत के ब्लैक पैंथर डॉग्स हैं काफी ज्यादा डेंजरस। चीन ने पंगा किया तो ये फोर्स ही छका देगी मजा। दोस्तों, जो रोबोटिक डॉग भारत की स्टार्टअप कंपनी ने डेवलप किया है वह बर्फ वाले शिखरों और ऊबड़ खाबड़ जगह समेत विभिन्न इलाकों को आसानी से पार कर सकता है। और इसका रोबोटिक माइंड इस तरह से डेवलप किया गया है जिससे यह अपने आप डिसीजन लेकर सही रास्ते को चूज कर सकता है। यहाँ तक कि ये रोबोटिक डॉग काफी ज्यादा ऊंचाई वाले शिखरों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं जिससे दुश्मन के ठिकानों की आसानी से जासूसी की जा सकती है। इसके अलावा इसमें छोटे वेपन्स और मिसाइल को भी लगाया जा सकता है जिससे यह दुश्मन के ठिकानों पर
आसानी से हमला कर सकते हैं और इससे जो आर्मी के जवानों की जान चली जाती है उससे भी बचा जा सकता है। आपको बता दें कि इसे ठाणे बेस्ड जिस स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है उनका कहना है कि ब्लैक पैंथर डॉग्स को डेवलप करने में डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एक भी विदेशी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, जिससे दूसरे देश की निर्भरता को भी कम करने पर जोर दिया जा रहा है और ये मेक इन इंडिया को एक नई मजबूती प्रदान करने में काफी ज्यादा मददगार है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस जो अमेरिका और जापान ने रोबोटिक डॉग्स डेवलप किए हैं उसे किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि जो सर्वाइव करने की क्षमता है वह अमेरिका और जापान के रोबोटिक डॉग से कहीं ज्यादा है। इंडिया की कंपनी द्वारा ब्लैक पैंथर रोबोटिक डॉग डेवलप किया जाना भारत की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस रोबोटिक डॉग से होने वाले फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस रोबोटिक डॉग के कारण सोल्जर की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इसे रिमोटली दूर से भी कंट्रोल करके आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है और चुनौतीपूर्ण इलाकों में इस रोबोटिक की मदद से बेहतर निगरानी रखी जा सकती है, जिसकी मदद से हम दुश्मनों को ठिकाने लगाने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, जिससे इसे मैन्युफैक्चरिंग करने की जो लागत है वह भी काफी ज्यादा कम है। फिलहाल इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए जाने हैं जिनकी टेस्टिंग करना अभी बाकी है, लेकिन ठाणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी जल्द ही इसकी दूसरी टेस्टिंग भी करने वाली है, जिसके बाद इन्हें इंडियन मिलिट्री टीम में शामिल किया जाने वाला है। और यह भी हो सकता है कि भारत के अलावा अफ्रीका और यूरोप के देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए और भारत से रोबोटिक डॉग को खरीदने के लिए हाथ मिलाएं, क्योंकि कुछ गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो रोबोटिक डॉग को अब भी विकसित कर पाए हैं। लेकिन भारत ने इस रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करके एक नई अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई कि राजकोट फर्म, जो कि ऑटो और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इन्होंने भी फ्यूचर को देखते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है, यानी कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और अभी तक देखा जाए तो राजकोट में डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, और शुरुआत में इस कंपनी ने एयरक्राफ्ट की डिफेंस कंपोनेंट और एरोस्पेस के इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान बनाया है। यानी कि कुल मिलाकर भारत की कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर इस समय काफी ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जिसमें नए नए स्टार्टअप भी उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।